कहा जाता है ना कि अच्छे बुरे दिन में, तो भले हम अच्छे दिन में साथ न रहे हो, बुरे दिन में उपेंद्र कुशवाहा हमेशा साथ रहा है। तो उसके बारे में तो कह दिया कि उनके कहने से हम थोड़े छोड़ने वाले, हमारा हिस्सा चाहिए भाई, वैसे थोड़े छोड़ने वाले। नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ देश स्तर पे एक कोई बहुत बड़ा महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयासरत है, ये बात बहुत विश्वसनीय नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं बिहार में, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। नीतीश बाबू कमजोर किया जा रहा है, अरे अब तो नीतीश बाबू में कोई ताकत ही नहीं रह गई जी, वो तो पूरी तरह से फेल कर गए। तो नीतीश बाबू में ताकत कहाँ है भाई? हम गठबंधन में ही हूँ, हमारा पर इसी लोगों साथ आया कि जीतन मांझी आए मैं बोल दे है कहें भाई हमारा भूख लग रहे हैं तो हम अपन पेटवा के बतिया ना बोलिया है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीपी बिहार। बहुत खूब कहा जाता है कि राजनीति में कोई कभी पक्का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, कुछ ऐसी से मिलता जुलता हमें बिहार की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ कब कौन पाला बदल ले, कब कौन भरोसेमंद से दुश्मन बन जाए और कब कोई करीबी बगावती तेवर अपना ले, ये कहना मुश्किल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और उनके सबसे ज्यादा विश्वासी सीपा सलारों की, जो अब नीतीश कुमार के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। पिछले 17 से 18 सालों से हर परिस्थिति में बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार। वैसे तो मौजूदा हालात में भी उनकी राजनीतिक स्थिति में कोई रुकावट नहीं आई है, लेकिन उनके कुछ विश्वास पात्र नेताओं ने उनकी बखिया जरूर उधेड़ दी है। तो आइए फिर एक नजर डालते हैं उन नामों की तरफ जो कभी नीतीश कुमार के काफी करीबी थे पर अब उनके कट्टर विरोधी हो गए हैं, या फिर ये कहिए कि अब वही नीतीश कुमार के लिए मुसीबत का सबब बन गए। शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा से करते हैं, जो ना जेडीयू से निकाले गए हैं और ना ही उन्होंने अब तक जेडीयू को छोड़ा है। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ वो खुलेआम जंग का ऐलान करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश समर्थकों की नींद हराम जरूर कर दी है। ऐसा इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि वो लगातार उन पर निजी हमले कर रहे हैं। बातों को प्रमाणित करने के लिए बच्चों की कसम खाने तक के लिए वो मुख्यमंत्री को उकसा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें झूठा, स्वार्थी, लालची तक कह दिया था। उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये कह रहे हैं कि अब वो जेडीयू से ऐसे बाहर नहीं जाएंगे, उनको जेडीयू में बंटवारा चाहिए। नीतीश कुमार के खास रहे उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री ने समय समय पर बड़े बड़े पोस्ट भी दिए हैं। पहली बार नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का प्रतिपक्ष का नेता भी बनाया था, उसके बाद उन्हें राज्यसभा सांसद भी बनाया गया था। जब वो फिर वापस जेडीयू में आए तो पहले तो जेडीयू संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, फिर उन्हें एमएलसी भी बनाया गया। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी में रहकर ही बगावत कर दी है, वो भी उनसे जिन्हें कभी उन्होंने अपना बड़ा भाई कहा था। इसी कड़ी में दूसरा नाम जेडीयू के नंबर दो माने जाने वाले आरसीपी सिंह का है। नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे और जेडीयू के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पिछले साल अगस्त में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। नौकरशाही से सियासत में आए रामचंद्र प्रसाद सिंह, यानी कि आरसीपी सिंह को नीतीश के बाद नंबर दो माना जाता था। वे नीतीश कुमार की उंगली पकड़कर राजनीति में आगे बढ़े और जेडीयू की कमान तक संभाली, यहां तक कि दो बार राज्यसभा सांसद और केंद्र मंत्री भी रहे। लेकिन आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बनने के बाद विवाद में ऐसे उलझे कि नीतीश कुमार की नजरों से उतर गए। आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद नीतीश की नजरों से उतरे आरसीपी की जुबान भी उनके खिलाफ चलने लगी। आज हालत ये है कि जिस आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को सबसे पहले प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया था, वही अब पूरे बिहार में ये कहते हुए घूम रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 17 सालों में बिहार के लिए क्या काम किया है। तीसरा नाम है जीतन राम मांझी का। जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत की थी।
आरसीपी सिंह की तरह जीतन राम मांझी को भी नीतीश कुमार का करीबी माना जाता था। जब नीतीश कुमार ने 2014 के लोकसभा में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा दिया था, तब उन्होंने सीएम पद के लिए मांझी के नाम को आगे बढ़ाया था। मांझी जेडीयू में रहते हुए 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक राज्य के सीएम भी रहे, लेकिन 2015 में उन्होंने सीएम के पद से हटने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जेडीयू और नीतीश कुमार ने मिलकर जीतन राम मांझी को सत्ता से बेदखल करने की मुहिम भी चलाई थी। मजबूर होकर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नामक पार्टी बनाकर एनडीए में शामिल हो गए और नीतीश के खिलाफ मुहिम चलाई। लेकिन साल 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश की पार्टी के साथ गठबंधन किया। जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और महागठबंधन के साथ सरकार बनाई, तो जीतन राम मांझी भी महागठबंधन में आ गए। इस फेहरिस्त में चौथा नाम है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं। उन्हें पार्टी को चुनाव जिताने के लिए नीतीश कुमार ने हायर किया था। बाद के दिनों में वो जेडीयू का हिस्सा भी बन गए। नीतीश कुमार ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया। पीके नीतीश कुमार के सलाहकार भी रहे। उन्हें पार्टी के अंदर ऊंची हैसियत हासिल हो गई, जो अन्य नेताओं को खटकने लगी थी। फिर एक समय ऐसा आया जब पीके को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज प्रशांत किशोर नीतीश के खिलाफ जन सुराज पद यात्रा पर है। एक नाम जिसके जिक्र के बिना ये फेहरिस्त अधूरी है, वो नाम है शरद यादव का। आपको मालूम है कि दिवंगत शरद यादव जी का निधन 12 जनवरी को हो गया था, पर आप इसे कम लोग ये जानते होंगे कि शरद यादव कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी हुआ करते थे। वे जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष भी रहे, 7 बार लोकसभा के सांसद चुने गए। इसके साथ ही वे केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, पर नीतीश कुमार के पाला बदलने वाले रवैये से शरद यादव नाखुश थे। साल 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ने के फैसले पर शरद यादव नीतीश से सहमत नहीं थे। दोनों के बीच खटास शुरू हो गई थी, लेकिन जब 2017 में नीतीश ने महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी से हाथ मिलाया और एनडीए में शामिल होकर सरकार बना ली, तब नीतीश कुमार के इस फैसले ने शरद यादव का धैर्य तोड़ दिया और वो नीतीश से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। यानी कि नीतीश कुमार के ये कुछ अपने थे जो अब उनके लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। तो इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा एबीपी बिहार। बहुत शुक्रिया।